खान साहब अपने घर में सोएंगे। अगर खान साहब अपने घर में ना सोए, सारी दुनिया अपना पाकिस्तान घर में नहीं सोएगा। क्या मार्च उधर है सच्ची में? हर बंदा मैंने प्रोजेक्ट दे दिया अपना। क्या बोला तूने? प्रोजेक्ट दे दिया अपना, हमें कैमरों की जरूरत नहीं है, हम खान को घर तक लेकर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खान साहब को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा, अब तो ये अभी ऐसा ऐसा लोग निकल गया, पूरा पाकिस्तान तब तक बंद होगा। चल झूठा, जब तक खान साहब रिहा नहीं होगा। आप हाथ ना लगाएं मुझे, हाथ ना लगाएं आप मुझे। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा, तो अब कंट्रोल नहीं है आवाम, पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अब देखना, देखो इनके घरों में से निकाल के हम इनको मारेंगे। थैंक्स, लव यू। इनको बताएंगे कि कैसे शेलिंग की जाती है, कैसे लाठी चलाई जाती है। अब इनको हम लाठी भी चलाएंगे इनके ऊपर, शेलिंग भी अपनी बंदूकों से करेंगे, गोलियों से। यही तो कयामत है। तो दोस्तों, उड़ती उड़ती एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान अरेस्ट हो चुके हैं। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर लेना। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो शट डाउन हो गया। इमरान खान के सपोर्टर, पीटीआई के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, सड़कों को जो है उन्होंने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इस वक्त मैं माल रोड लाहौर पर मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के सपोर्टर मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पर आग लगाई हुई है। अगर बात करें लाहौर पंजाब की, तो तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। अवाम में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैल चुका है, लोग अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त माल रोड की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरह से इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, उस पर आपके क्या कहना है? मेरा कहना ये है, इम्पोर्टेड हुकूमत, खासतौर पर सनाउल्ला और जिन्होंने भी ISI जो चाहे पाक फौज हो या रेंजर्स हो, जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया है, इन्होंने जलते हुए तेल में आग डाली है, नफर हार डालना है, हमें हार निकालना आता है। डॉला सनाउल्ला नैब रेंजर कहाँ को सुन लो, अगर हमारे लीडर कुछ हुआ या आज भी आई इमरान खान रेड लाइन है, हम तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। इनकी जरूरत कैसे हुई है इमरान खान हाथ डालने की? इमरान खान एक उम्मत मुस्लिम लीडर है, एक अजीम लीडर है, एक अजीम कौम का अजीम लीडर है। मेरे पाकिस्तानियों कदर कौन से अजीम लीडर की, ये मुल्क के हालात ने खुद खराब किए। अच्छा, जो हो गया वो हो गया, इमरान खान साहब को ले गए, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, पहले ही पाकिस्तान की कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है, महंगाई से हम लोग लड़ रहे हैं, रोटी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आपने यहाँ पर जिस तरह आग लगाई हुई है, पत्थर मार रहे हैं आप गाड़ियों को, लोग डर गए हैं, अपने घरों में महसूर हो गए हैं। मेरी बहन पूरा मन तैयार हो रहे हैं, पुलिस वाले आए हैं, उन्हें शैलिंग की है, पूरा मन लोगों पर फतराव किया है, हमने उसका जवाब दिया है, हमें प्रोटेस्ट करना आता है, हमें उसका जवाब देना आता है। बात ये नहीं है, पहले उन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, फिर उस आदर्श वाती उस पर जुलम सतम किया, अब फिर जिले शाह, अब ये खान साहब, अब ये ऐसा नहीं होगा। ये हमारी कौम जो है अपने लीडर के साथ खड़ी है, और हम भरपूर दफा करें अपने लीडर का, हम क्यों नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह ये मेरा वादा है, खान साहब की मेरा आपके वादा है, पूरी कौम का वादा है, जैसे ही मेरा लीडर छूटेगा, इनका इंतजाम होगा, सनाउल्ला का, ISI का, नैब का, अंदर जो जो ब्लॉक है, हम नहीं छोड़ेंगे। सर, आप आज रात को खान साहब अपने घर में सोएंगे। अगर खान साहब अपने घर में ना सोए, सारी दुनिया अपना पाकिस्तान घर में नहीं सोएगा। हर बंदा मैंने प्रोजेक्ट दे दिया अपना, हमें कैमरों की जरूरत नहीं है, हम खान को घर तक लेकर आएंगे। ये आप देखेंगे, ये वाली रात खान अपने घर में गुजारेगा। जब तक हमारा लीडर रिलीज नहीं हो जाता, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का कोई अच्छा इमेज नहीं है। ये जो सूरत हाल है, ये जो खबर है, हर इंटरनेशनल मीडिया चला रहा है, आपको क्या लगता है कि अगर यही माहौल पाकिस्तान का रहा,
तो क्या बनेगा हमारे मुल्क का? ये सब इनका किया धरा है, ये सब इनका किया धरा है। ना ये लोग इंतजार फैलाते, ना ये नुवैयत आती, ना ये लोग इंतजार बढ़ाते, ना हमारे मुल्क का ऐसा हाल होता, ना हम इस नहज पे पहुँचते। वो देखा कितनी पुलिस आ रही है, आप कह रहे हम तशद्दुद कर रहे हैं, वो देखा कितनी पुलिस आ रही है, अब मीडिया कहाँ गया हुआ है, अब हमें कह रहे हैं आप तशद्दुद कर रहे हैं। जीम चेंज ऑपरेशन जो था उसका मेन मकसद यही था कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो। इमरान खान आवाम को कह रहा था कि पुरअमन रहें, पुरअमन रहें, पुरअमन रहें। इमरान खान आज अदालत के अहाते से पकड़ा गया है। तो ये लाकानूनीत, ये जो रियासत है, ये जो रियासती जबर है, इन्होंने अपने आप को आज जाहिर कर दिया है। ये आवाम सड़कों पर निकली हुई है, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकला हुआ है। तब तक ये सड़कों पर होगी जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करते। अच्छा सर, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, खासकर अगर मैं लाहौर की बात करूँ जहाँ पर हम मौजूद हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई है? तो सूरत हाल तो ये इसलिए पैदा करते हैं, इनको पता है कि हमारी अभी मौत है, हम जेलों में जा रहे हैं, इनको पता है कि अभी इंसाफ के फैसले होने वाले हैं, पूरा कौम मुतहद हो गया है। तो इन्होंने ये बजदिलाना कार्रवाई की, बेगैरतों वाला कार्रवाई की इन्होंने। खान साहब एक अजीम लीडर है, पूरा दुनिया उसको मानते हैं, हम मौत तक खान साहब के साथ खड़े, आखिरी खून के कतरे तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमको मारे, धमकाए, कुछ भी करे, हमारे सीनों पर गोली भी चलाए, हम खान साहब के साथ खड़े हैं। खान साहब को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा, अब तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग निकल गया, पूरा पाकिस्तान तब तक बंद होगा जब तक खान साहब रिहा नहीं होगा। और ये हम सुप्रीम कोर्ट, अब पाकिस्तान चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट करते कि अभी से अभी बयान जारी करो और खान साहब को रिहा करो। और आर्मी हमारा पाकिस्तान की आर्मी है, इसमें कोई कोई बुजदिल होगा, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, किसी का बाप का पाकिस्तान नहीं है। सर, हमारे पाकिस्तान का हमने हाल क्या कर दिया वो तो देखें, लोग डर गए, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ये पीडीएम मैक्साचार इसकी जिम्मेवार है, और अमरीका, इसराइल, इंडिया इसकी जिम्मेवार है। पाकिस्तान ये अजीम पाकिस्तान है, ये अजीम लोग है पाकिस्तान के, इनको गुलाम बनाना चाहते हैं। हमने गुलामी के जंजीर तोड़ दिया है, हम खान साहब के साथ खड़े हैं, धरने में भी खड़े थे, बनीगाला में भी थे, अब इधर भी है, इधर से तब जाएंगे जब तक खान साहब रिहा नहीं हुआ। और या हमारी मौत, या हमारी शहादत, या हम गाजी बनेंगे। और खान साहब कोई टेंशन नहीं ले, ये जवान जब तक जिंदा हो, और इंसाफ टाइगर फोर्स के नौजवान, खान साहब टेंशन नहीं ले। और पाकिस्तान के अवामों को मैं की कहता हूँ, जो जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो निकले और इस्लाम के और मदीना की रियासत की कायम कर तक कायम करके रहेंगे इंशाल्लाह। और ये पीडीएम मिक्साचार, ये एक मिनट, आपने जिन मुल्कों के नाम लिए हैं वो मुल्क तो तरक्की की राहों पर चल रहे हैं, हमारा मुल्क देखें दिन ब दिन हम लोग जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। महंगाई आप देखें, पहले आवाम जो है वो महंगाई से तंग आई पड़ी थी, अब मुझे बताएं कि दो वक्त की रोटी कमाने के लिए वो घरों से ना निकले, क्योंकि आप लोगों ने तो कह दिया है कि इमरान खान साहब अगर रिहा ना हुए तो पूरा पाकिस्तान आप लोग बंद कर देंगे। तो मुझे ये बताएं कि उन लोगों का क्या कसूर है जो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाने के लिए निकल रहे हैं, वो निकल नहीं पाएंगे। ये जो मुल्क, जिस मुल्क में अमन है, इनको हम ये कहते हैं कि तुमने हमारे मुल्क में इस करप्ट डाकू चोरों को मुसल्लत किया है, तुम जिम्मेवार हो, अमेरिका तुमने इनको मुसल्लत किया, जिसने इस पीडीएम का साथ दिया है वो भी जिम्मेवार है इस आवाम का। आज जो लोगों के आंखें जाया हुई हमारे नौजवानों की, आज जो लोगों के रोड सड़कें जो पाकिस्तान में बंद किया है, और एक तरफ महंगाई का तूफान आकर कर दिया, दूसरी तरफ खान साहब को गिरफ्तार कर दिया गया, तो ये आवाम की दुश्मन है, कारा दुश्मन है, ये चोर डाकू, इन चोरों डाकुओं को हम कभी नहीं माफ करेंगे। अब तो मौका आ गया है जंग का, किसी का बाप में हिम्मत है तो आओ दिखाओ
हम अभी नहीं छोड़ेंगे इस करप्ट डाकुओं को, लेकिन अभी भी खान साहब ने हमको पुरमन एहतजाज का काल दिया है, अभी भी हम पुरमन है, लेकिन खान साहब को कुछ भी हुआ फिर पुरमन मुरमन खत्म। सर क्या कहेंगे, मुल्क के हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आवाम में बड़ा खौफ और हैरास फैल गया है, जिस तरह माल रोड की सूरत हाल है, शराहें बंद की हुई है, पीछे एम्बुलेंस को भी मसले पेश आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मुल्क के जो हालात है ना वो तो वैसे ही ख़राब हो चुके हैं, वो उस दिन से ख़राब हो चुके हैं जब ये चोरों के और डकैतों के हाथ में हुकूमत और इनके हाथ में जब ये हमारा सारा निज़ाम आया। अब अगर हम आज नहीं निकलेंगे अपने खान साहब के लिए, उनको उनकी रहाई के लिए, और आज हम इन चोरों से लड़ने के लिए नहीं निकलेंगे तो हमारे आने वाला फ्यूचर, हमारे आने वाले भाई, हमारे आने वाली यूथ जनरेशन तबाह हो जाएगी। आज आप खुद बताएँ इस मुल्क का क्या हाल हो गया, महंगाई की तरफ देखें, जिस तरफ भी देखें हर तरफ भूखा है, मरे मर रहे हैं लोग महंगाई से, हर चीज़ से। तो आज खान साहब को बचाने के लिए और खान साहब को रहा कराने के लिए हम निकले हुए हैं और इंशाल्लाह आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। सर इमरान खान साहब को 3.5 साल दिए गए थे, सब लोग यही कहते हैं कि उन्होंने 3.5 सालों में क्या किया। देखिए 3.5 साल की सियासत के बीच उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा क्या उस लेवल पे काम किए हैं जिधर पे ये जिस लेवल पे ये जा ही नहीं सकते। खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे OIC करवाई, उसके बाद कोरोना के बीच ये चोर कोरोना में भी होते ना, तो इन्होंने कोरोना में भी कहना था कि चलो यार जो पैसा या जो फंड हमें मिल रहा है इस कोरोना से भी हम चोरी करके तो अपने हिस्से में अपने बैंकों में डाल लें। ये लोग इस कदर भूखे और लालची और कमीने हैं। तो खान साहब 2 साल तो वो कोरोना से लड़ते रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मुल्क के लिए जो मतलब कि OIC सारी तंजीमें, उसके बाद बहुत ज़्यादा काम, महंगाई आज की शरह और खान साहब की शरह आप देख सकते हैं। तो यही चीज़ होती है एक अच्छे लीडर की, जो आपके मुल्क को नीचे से लेके ऊपर जाता है बल्कि ऊपर से नीचे नहीं लाता। इनकी हुकूमत में हमारा मुल्क ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर नहीं गया, ये आप खुद भी जान सकते हैं। सर अब आप देखें कि यहाँ पे हर बंदे के हाथ में डंडे मौजूद हैं, देखकर मुझे खौफ आ रहा है। आपको नहीं लगता कि वो बच्चे जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए तो उन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं? लोगों के पास है डंडे, देखें किसके पास है, इसके पास डंडे हैं, ये इनके पास है, किसके पास है? पीछे अभी पीछे हमने, आप हाथ ना लगाएं, मुझे हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं आप, मुझे मेरी बात सुने। पीछे मैंने ना एक बच्चे का इंटरव्यू किया, छोटा सा बच्चा 11 साल की उम्र का, उसके हाथ में डंडा और शैल थे, मतलब कलम पकड़ने की उम्र में उस बच्चे ने हाथ में शैल पकड़ा हुआ, डंडा पकड़ा हुआ। कलम किसने पकड़ानी थी उसको, कलम किसने पकड़ानी थी? हमारे हुक्मरानों। सबसे पहले पाकिस्तानी फौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उसने एक दहशत गर्द को गिरफ्तार किया और उससे बरामद क्या हो रहा है, चंद यूनिवर्सिटियाँ और चंद हॉस्पिटल, इससे ज़्यादा और क्या होगा। जो अभिनंदन से ज़्यादा हमने उसको प्रोटोकॉल, अभिनंदन को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया, उसकी बीवी से भी मिलाया गया, उसकी बहन से भी मिलाया गया उसको, और इसके पीछे टोटली ये पाकिस्तान की सियासतदान का किसी का हाथ नहीं हो सकता, ये इनकी औकात नहीं है इतनी, ये सब जो कुछ भी करवा रही है ये हमारी पाकिस्तानी फौज है और फौज एस्टेब्लिशमेंट हमारी मिक्स है। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन लेके जा रहा है, कतर में कौन लेके गया था, 90,000 लाशें फौजियां वहां पे छोड़ के आए थे कतर के अंदर, अब भी इनकी यही हालत है। ये तो इमरान खान की हिम्मत है कि उसने कहा हुआ है कि इसको मुल्क को जोड़ के रखो, नहीं तो ये फौज की तो हमारी कोशिश है, डंडे ये चीजें जो है ना, फौज की तो कोशिश है कि इसके मुल्क के भी चार टूटे हो जाए ताकि हम आसानी से, ये इनकी जवाल का टाइम, इनकी 75 साल हुक्मरानी का जवाल का टाइम है ये फौज का। सर पाकिस्तान तो वैसे ही 5 धड़ों में बढ़ चुका है, आप देखेंगे पाकिस्तान का कौन सा सूबा ऐसा नहीं जिसमें प्रोटेस्ट हो रहा हो। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलोचिस्तान के लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आजाद कश्मीर के लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप पंजाब की सूरत हाल भी आपके सामने है। तो इसका सबको जिम्मेदार कौन है, जो वो अपने जाली मुंह से कहते हैं, जाली जो मास्क लगा के आ जाते हैं, जो कहते हैं कि हमारा जो है ना सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आज कौन सी सियासत थी, आज भी रेंजर अंदर थी, रेंजर ने गिरफ्तार किया, और ये जो नैब था, नैब के अंडर रेंजर नहीं आती, कानून में ये लिखा हुआ है कि नैब के अंदर रेंजर नहीं है, पुलिस है सिर्फ उसके अंदर, और रेंजर सिर्फ वफाक के अंडर है, राणा सनाउल्ला के अंडर है, उसने उसको बुलाया। और मैं मानती हूँ जो हुआ वो गलत हुआ, जिस तरह उन्हें ले जाया गया वो तंदाज वो तरीकेकार सब गलत था, लेकिन जो अब हम लोग कर रहे हैं क्या ये गलत नहीं है? ये गलत किस चीज़ का है, ये तो हर एक को जमहूरी इख्तियार है, लेकिन जमहूरियत तो दफन हो गई ना, कतर में भी दफन हुई, सबसे ज्यादा पहले जमहूरियत तो उस वक्त दफन हुई जब कतर उसमें 48 में एक जर्नैल ने फातिमा जना को गद्दार डिक्लेयर किया। आज तक फातिमा जना ये झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं के फातिमा जना जो है ना मुताले पाकिस्तान में लिखा है मादरे मिल्लत, झूठ बोलते हैं, जो डिक्लेयर हुआ है वो डिक्लेयर हुआ है, और इन्होंने मादरे मिल्लत को गद्दार डिक्लेयर किया था अयूब खान ने, अयूब ने।
ये अयूब की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद अब ये इमरान खान फैसला करेगा कौन गद्दार है। इस वक्त मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो हाथ में शैल लेकर मास्क लगा कर खड़ा हुआ है, आइए से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? महमूद। ये शैल कहाँ से मिला आपको? मैंने पुलिस वाले से सीखा, उसके शैल उनकी तरफ ही मारे हैं हमने बंदूक छीन के। बेटा आपकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, हाथों में कलम होना चाहिए जिसमें आपने शैल पकड़ा हुआ है। हाथों में बाहर बच्चे के कलम होना चाहिए, लेकिन पीडीएम हुकूमत नून लीग हुकूमत क्या बोल रहे हैं भाई? उम्र देकर बच्चे की बातें देखो। क्या उम्र है आपकी? 11 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली है, कहाँ से सीखी है ये बातें? सीखी नहीं है, हालात ने ऐसा कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, ये शैल आपने पकड़ा जब पुलिस वालों से छीना, खौफ नहीं आया आपको? अकेले हो यहाँ पे? फैमिली कहाँ है? हाफिजाबाद में घर है हमारा, जिला हाफिजाबाद में मैं इधर आया हूँ। हमारे खान साहब को इस्लामाबाद पेशी का फायदा उठा के उनको अरेस्ट किया गया। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूँगा, तो अब कंट्रोल नहीं है। तबाही की तरफ जा रहा है। अब देखना, इनके घरों में से निकाल के हम इनको मारेंगे, इनको बताएंगे कि कैसे शैलिंग की जाती है, कैसे लाठी चलाई जाती है। अब इनको हम लाठी भी चलाएंगे इनके ऊपर, शैलिंग भी अपनी बंदूकों से करेंगे, गोलियों से जी। तो दोस्तों इसी के साथ जो वीडियो वो समाप्त होता है। एंड यार इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्या लगता है कि इमरान खान जो अरेस्ट हुए वो क्या सही है या फिर गलत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।